राजधानी जयपुर में संचालित ऑटो रिक्शा अब सवारियों को लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए प्रेरित करते नजर आएंगे। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने रेलवे स्टेशन पार्किंग से मतदाता जागरूकता के पोस्टर लगे सैकड़ों ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला निर्वाचन अधिकारी यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ऑटो यूनियन के सहयोग से यह नया अभियान शुरू किया गया है। वहीं जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी भारती दीक्षित ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर लगे पोस्टर कल के भारत का निर्माण करता है अपना मतदान जैसे नारों के माध्यम से देश के विकास में वोट का महत्व बताएंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए जिले का चयनित शुभंकर छोट की वोट की संवाद शैली में नए मतदाताओं के सवाल के जवाब देकर जिज्ञासाएं शांत करने के लिए उत्साह का संचार कर रहा है। चुनाव की स्वीप एक्टिविटीज के अंतर्गत हम कई सारे इवेंट्स करा रहे हैं। जयपुर में स्वीप एक्टिविटीज में हमने दो मैस्कॉट्स डेवलप किए हैं, छोटकी और वोटकी। तो छोटकी एक छोटी बच्ची है जो बहुत इंक्विजिटिव है, क्वेश्चंस रेज करती है, चीज़ें जानना चाहती है, और वोटकी एक 18 साल की बच्ची है जो पहली बार वोट करने जा रही है। इन दोनों का आपस में संवाद होता है जिसके ज़रिए हम कई सारी क्वेरीज लोगों की जो रेज करते हैं रिगार्डिंग इलेक्शन प्रोसेस उसको एड्रेस करते हैं, वोटिंग का मैसेज स्प्रेड करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स वोट करें। इस बार हमारा टारगेट यूथ है तो यूथ के लिए हमने एक टैगलाइन भी डेवलप करी है, उम्र 18 खुशी अपार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज़, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।